युवा छत्रपति पुरस्कार प्राप्त फॉर्मर इंडिया प्लेयर। कबड्डीराव.com और कबड्डीराव एकेडमी की तरफ से हम अभी विश्लेषण करने जा रहे शब्बीर बापू के सुपर धमाकेदार रेड, साथ में देखेंगे डिफेंस का काउंटर एक्शन। जोन में बहुत अंदर तक आ गया है और रेडर के डीप हैंड टच की कोशिश राइट कॉर्नर को, डीप हैंड टच की रेडर की कोशिश आप देख सकते हैं और इसी कोशिश में राइट कॉर्नर की पोजीशन देखो, राइट कॉर्नर जो है वो एंड लाइन की तरफ झुक गया है। राइट कॉर्नर ने खुद का बैलेंस और पोजीशन दोनों भी अभी खो दिए हैं और राइट कॉर्नर अभी टैकल करने की पोजीशन में नहीं रहा। इसी दौरान रेडर की नजर गई सामने से आते हुए लेफ्ट कॉर्नर पे, जो कि बहुत शक्तिशाली और पावरफुल डिफेंडर माना जाता है शेरलाथन, जो ब्लॉक करने की पोजीशन में रेडर की तरफ बढ़ रहा है। और अभी ये रेडर का क्विक रिफ्लेक्शन, जैसे ही गैप दिखा रेडर को, रेडर ने उसमें से निकलने की कोशिश की, उस गैप में से निकलने की कोशिश की है और ये लेफ्ट इन की काउंटर एक्शन। आप नजर रखिए लेफ्ट इन पर, उसने थाई होल्ड में टैकल करने की कोशिश की है रेडर को और उसके सपोर्ट में अभी पहुंच गया है राइट इन। अभी रेडर जो है वो लेफ्ट इन और राइट इन दोनों के बीच में फंस गया है। ये रेडर की पावरफुल मूव, क्या बात है। रेडर ने खुद का रुख जो है वो लेफ्ट जोन की तरफ मोड़ दिया है और इसकी कोशिश में ही डिफेंडर का जो थाई होल्ड का जो प्रयास था वो रेडर ने नाकामयाब कर दिया। फिर भी डिफेंडर हार नहीं मान रहा है। देखिए कैसे डिफेंडर ने थाई होल्ड की जगह डाइविंग एंकल होल्ड की कोशिश की है और लगातार कोशिश जारी है डिफेंडर की। डिफेंडर्स के तगड़े प्रतिकार के बावजूद भी रेडर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए कैसे रेडर आगे बढ़ते जा रहा है सेंटर लाइन की तरफ। डाइविंग एंकल होल्ड से भी बच के निकला है रेडर और रेडर कैसे सेंटर लाइन की तरफ आगे बढ़ रहा है। अभी देखिए सेंटर लाइन की तरफ बढ़ते हुए रेडर को रोकने के लिए आया है कौन? पावरफुल डिफेंडर शेरलाथन। शेरलाथन जो है वो देख सकते हैं डैशिंग पोजीशन में आया है। रेडर को कोर्ट से बाहर निकालने के लिए शेरलाथन पहुंच गया है, लेकिन शेरलाथन और रेडर का फोर्स इतना है कि दोनों भी लॉबी में आके गिर गए। इसी दौरान बाकी के जो डिफेंडर है वो भी सपोर्ट के लिए आगे बढ़ गए, लेकिन दाद देनी चाहिए रेडर के मनोबल को। रेडर ने खुद का मनोबल नहीं खोया है और क्रॉलिंग करते हुए रेडर ने सेंटर लाइन क्रॉस कर दिए और ये बन गई है एक सुपर धमाकेदार रेड। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमने देखा कैसे रेडर को राइट जोन में टैकल शुरू हुआ और रेडर झूलते हुए लेफ्ट जोन में पहुंच गया। इस रेड में हमने रेडर को गति, चपलता, ताकत, आत्मविश्वास और उच्च कुशलता का प्रदर्शन बुद्धि तत्परता के साथ करते हुए देखा।